evening, students. Today we will discuss about the incidence matrix. What is incidence matrix? हमने आप लोगों ने देखा होगा, हम जब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम KVL अप्लाई करते थे, KCL अप्लाई करते थे, जब हम KVL अप्लाई करते थे तो हम लूप सेलेक्ट करते थे, और जब हम KCL अप्लाई करते थे तो नोड सेलेक्ट करते थे। यहाँ पर हम इंसिडेंस मैट्रिक्स में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का हम ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ का जो ग्राफिकल डेटा को एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है? इंसिडेंस मैट्रिक्स ट्रांसलेट द ग्राफिकल डेटा इनटू द एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ एनी ग्राफ ऑफ अ नेटवर्क, उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एल्जेब्रिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है। यदि यदि आप लोगों ने देखा होगा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम, फिर यदि कोई नेटवर्क है, बता रहा हूं मैं, यदि कोई नेटवर्क है जिसमें एन नोड एग्जिस्ट कर रहा है और बी ब्रांचेस हैं, इफ द नोड, इफ अ नेटवर्क हैविंग एन नोड्स एंड बी ब्रांचेस, देन इंसिडेंस मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस बी। यदि कोई नेटवर्क में एन नोड्स है और बी ब्रांचेस है, उस केस में उस इंसिडेंस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो एन क्रॉस बी का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया, हमने पिछली क्लास में देखा था, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसीडर किया था, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट का हमने ग्राफ बनाया था। दिस इज द ओरिएंटेड ग्राफ, ये ओरिएंटेड ग्राफ है जिसमें ब्रांच भी शो हुई है, ये ब्रांच नंबर वन है, ये ब्रांच नंबर टू है, ये ब्रांच नंबर थ्री है, ब्रांच नंबर फोर है, ब्रांच नंबर फाइव है, ब्रांच नंबर सिक्स है। तो हमने यहाँ पर हम नोड, इसको बोलते हैं नोड इंसिडेंस मैट्रिक्स। हमने क्या किया, सबसे पहले नोड सेलेक्ट किया, तो नोड नंबर वन ये है, नोड नंबर टू ये है, नोड नंबर थ्री ये है, नोड नंबर फोर ये है, तो जिसको हमने नोड वन ए बी सी एंड डी से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर हम इंसिडेंस मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो इसमें एक साइड हमने ब्रांच ले लिया और एक साइड हमने नोड सेलेक्ट कर लिया। तो नोड कौन कौन से हैं, ए बी सी एंड डी, इधर ब्रांच, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, सिक्स ब्रांचेस है, तो ब्रांच वन टू थ्री फोर एंड फाइव सिक्स अपन ने कंसिडर कर ली है। ठीक है, अब हमें केसीएल, यहाँ पर हम नोड की जब बात करते हैं तो हम किसी भी नोड में अपन केसीएल अप्लाई करते थे, तो केसीएल अप्लाई करने के लिए क्या करते थे, केसीएल क्या बोलता है, किसी भी नोड में जितनी भी ब्रांच करंट मिल रही है, किसी भी नोड में जितनी भी ब्रांच करंट है, सबका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ब्रांच करंट मीटिंग एट अ जंक्शन और अ नोड इज इक्वल टू जीरो, दिस इज किरचॉफ्स करंट लॉ। तो उस नोड से जितनी भी ब्रांच करंट है सबका एल्जेब्रिक सम जीरो होता है, ये हमने केसीएल में देखा था। यहाँ पर उसी को ग्राफिकल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम नोड ए की बात करेंगे तो नोड ए से जितनी भी ब्रांच कनेक्टेड है, नोड ए से जितनी भी ब्रांच करंट है तो सबका एल्जेब्रिक सम जीरो। तो यहाँ पर हम इंसिडेंस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, तो जो जो नोड ए की हम बात करेंगे, तो नोड ए से जितनी भी ब्रांच कनेक्टेड है, तो मैंने बोला ब्रांच नंबर वन कनेक्ट है, टू कनेक्ट है, थ्री कनेक्ट है। यदि हम इस नोड से जितनी भी आउटगोइंग ब्रांच है उसको उसके लिए हम प्लस वन कंसिडर करेंगे, जो इनकमिंग ब्रांच है उसके लिए माइनस कंसिडर करेंगे, और जो इस नोड से कनेक्टेड नहीं है उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, जीरो। ठीक है, आउटगोइंग ब्रांच के लिए, आउटगोइंग ब्रांच के लिए हम क्या करेंगे, आउटगोइंग ब्रांच के लिए हम प्लस वन कंसिडर करेंगे, इनकमिंग ब्रांच के लिए हम माइनस वन कंसिडर करेंगे, और नॉट कनेक्टेड ब्रांच उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। मतलब हम जब नोड ए की बात किया, हमने नोड ए की बात किया, तो नोड ए से तो कौन कौन सी आउटगोइंग ब्रांच है, टू एंड थ्री, टू और थ्री आउटगोइंग ब्रांच है, तो आउटगोइंग ब्रांच के लिए क्या ले लेंगे हम, वन, तो ये टू में भी वन हो जाएगा, थ्री में भी वन हो जाएगा, और वन वाली ब्रांच क्या है, इनकमिंग है, तो इनकमिंग के लिए क्या ले लोगे, माइनस वन, और जो ब्रांच कनेक्टेड नहीं है, तो ब्रांच फोर फाइव सिक्स कनेक्टेड नहीं है, तो उसके लिए क्या ले लोगे, जीरो कंसिडर कर। क्लियर है सभी को? अब देखें नोड बी की बात किया मैंने, नोड बी की बात किया, तो नोड बी से कौन कौन सी ब्रांच कनेक्ट है, ब्रांच नंबर टू, ब्रांच नंबर फोर, ब्रांच नंबर फाइव, तो जो नोड बी से जितनी भी आउटगोइंग ब्रांच है उसके लिए प्लस वन कंसिडर करेंगे, जो इनकमिंग ब्रांच है उसके लिए माइनस कंसिडर करेंगे, और जो कनेक्टेड नहीं है उसके लिए जीरो कंसिडर करेंगे। तो देखें नोड नंबर बी की बात कर रहे हैं, नोड नंबर बी की मैं बात कर रहा हूं, तो नोड नंबर बी में फोर और फाइव क्या है, आउटगोइंग है,
तो 4 ऑफ 5 में क्या जाएगा प्लस 1, 4 ऑफ 5 में प्लस 1 आ जाएगा, और आपकी 2 इनकमिंग है तो माइनस 1 आ जाएगा, और जो ब्रांच कनेक्टेड नहीं है उसके लिए क्या लिख दोगे, 0 कंसीडर कर लो, ठीक है। इसी तरीके से नोड सी की बात करेंगे, तो नोड सी में जो भी कौन कौन सी आउटगोइंग है, ओनली 6 आउटगोइंग है, तो 6 में क्या जाएगा 1, 3 और 4 क्या है इनकमिंग है, तो 3 और 4 में क्या जाएगा माइनस 1, माइनस 1, और जो कनेक्टेड नहीं है उसके लिए क्या लिखोगे, 0 कंसिडर करोगे। फिर इसी तरीके से नोड डी की बात करेंगे, तो नोड डी में कौन सी आउटगोइंग है, 1 आउटगोइंग है, तो 1 वाली ब्रांच में क्या लिखोगे प्लस 1, वो 5 और 6 क्या है इनकमिंग है, तो क्या लिखोगे माइनस 1, माइनस 1, और जो कनेक्टेड नहीं है उसके लिए क्या कंसिडर करोगे, 0 कंसिडर करोगे। तो ये इस मैट्रिक्स, ये इस ग्राफ का क्या होगा, इंसिडेंस मैट्रिक्स होगा। तो इसको हम इंसिडेंस मैट्रिक्स को हम ए आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंसिडेंस मैट्रिक्स को हम ए आई से, इसको हम अलग से मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, दिस इज इंसिडेंस मैट्रिक्स, क्या है माइनस 1, माइनस 1, 0, 0, प्लस 1, फिर सेकंड वाली, सेकंड वाला कॉलम क्या है 1, माइनस 1, 0, 0, थर्ड वाला कॉलम क्या है 1, 0, माइनस 1, 0, थर्ड वाला और फोर्थ वाला कॉलम क्या है 0, 1, माइनस 1, 0, फिफ्थ वाला कॉलम क्या है 0, 1, 0, माइनस 1, फिर सिक्स वाला कॉलम क्या है 0, 0, 1, माइनस 1। तो इसका, इसमें नोड कितने हैं, 4 है, तो इसका ऑर्डर क्या जाएगा 4, कितनी होंगी इसकी 4 रो होंगे, ठीक है, और ब्रांचेस कितनी है 6, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 4×6 का इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं 4 है, और ब्रांचेस कितनी है 6 है, तो मैंने क्या बताया था, इसका यदि कोई इंसिडेंस मैट्रिक्स में n नोड एग्जिस्ट कर रहे हैं और b ब्रांचेस एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, n×b का ऑर्डर होगा। तो यहां पर 4 नोड है, तो उसका जो रो हो गए 4 हो गए रो, और 6 ब्रांचेस है, तो उसके कॉलम 6 कॉलम होंगे। तो ये आपका कैटेगरी इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब हमें ये चेक करना है कि ये इंसिडेंस मैट्रिक्स सही बनी है या गलत बनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सभी इस इंसिडेंस मैट्रिक्स में ये चेक करना है, सभी एंट्रीज, सम ऑफ एंट्रीज ऑफ एनी रो इन द इंसिडेंस मैट्रिक्स इज 0, किसी भी रो में, कोई भी रो में, सॉरी किसी भी कॉलम में, सॉरी किसी भी कॉलम में, चाहे वो फर्स्ट कॉलम हो, सेकेंड कॉलम हो, थर्ड, सभी एंट्रीज का समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखें फर्स्ट वाले कॉलम में देखें 1 माइनस 1 0, सेकंड वाले कॉलम में 1 माइनस 1 0, 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 तो सम ऑफ एंट्रीज इन एनी कॉलम ऑफ द इंसिडेंस मैट्रिक्स विल बी 0, क्लियर है। देखें अब आते हैं रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। व्हाट इज रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होती है, इट इज ऑब्टेंड बाय रिमूविंग एनी रो from the given incidence matrix, removing any row from the given incidence matrix, कोई भी row को हम यदि incidence matrix से remove कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगी आपकी, reduced incidence matrix कहलाएगी। तो अब बोले सर order कितना होगा इसका, तो order जब मैंने बोला ये आपके पास incidence matrix, this is the incidence matrix of this given graph, ये graph का incidence matrix ये बनाया अपन ने, जिसमें नोड्स हैं, 4 नोड्स हैं, 6 ब्रांचेस हैं, उसकी इंसिडेंस मैट्रिक्स ये बनाया हमने। तो इस मैट्रिक्स में हमने क्या किया, एक रो को रिमूव कर दिया, तो मैंने कोई भी एक रो, लास्ट वाली रो को मैंने रिमूव कर दिया, लास्ट वाली रो को मैंने रिमूव कर दिया, तो इस रो बची हुई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3×6 का ऑर्डर हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना होगा 3×6 का। तो ये जो मैट्रिक्स कहलाएगी इसको बोलेंगे AR, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स, AR से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, this is called reduced incidence matrix। तो अपन ने बोला कि यदि n branches है, b n nodes है और b branches है, तो उसका order reduced incidence matrix का order कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने एक row को remove कर दिया, तो उसका order कितना हो जाएगा n minus 1 cross b, incidence matrix का order कितना था n cross b, लेकिन हमने एक row को remove कर दिया, तो इसका reduced incidence matrix का order कितना हो जाएगा n minus 1 cross b। ये आपका, हम reduced incidence matrix का use करते हैं कि कोई भी, ये आपके पास ग्राफ है, इस ग्राफ में नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री कितने होंगे, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन एनी ग्राफ ऑफ अ नेटवर्क, किसी भी ग्राफ में कितने पॉसिबल ट्री हो सकते हैं। मैंने बताया था किसी भी ग्राफ के बहुत सारे ट्री हो सकते हैं,
तो मैंने बोला कितने पॉसिबल ट्री होंगे, तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री, नोट डाउन, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री इन अ ग्राफ इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आर रिड्यूसिंग सिमेट्रिक और उसका ट्रांसपोज का प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट जो होगा नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री होगा, मतलब किसी भी ग्राफ का कितने ट्री बन सकते हैं। तो मैंने बोला था इस ग्राफ में ऐसा भी ट्री हो सकता है, ये भी एक ट्री कहलाएगा इसका, दिस इज ए बी सी डी, ये भी एक ट्री कहलाएगा इसका, ये भी एक ट्री कहलाएगा। कोई भी ट्री के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कोई भी क्लोज पाथ नहीं बनना चाहिए। तो नोड पूरे होना चाहिए जितने ओरिजिनल ग्राफ में, ओरिजिनल ग्राफ में ए बी सी डी नोड है, तो इसमें भी ट्री में भी ए बी सी डी नोड होना चाहिए, इसमें भी ए बी सी डी नोड है, ये भी इस ट्री का ग्राफ कहलाएगा, ठीक है, ट्री कहलाएगा। ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी ट्री बन सकता है, तो कई सारे ट्री बन सकते हैं इस ग्राफ के। तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री बनेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका डिटरमिनेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड दिस इज द पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री इन अ ग्राफ। नोट डाउन, चलो देखें, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री डिटरमिनेंट ऑफ ए आर इनटू ए आर ट्रांसपोज। तो हमने, हमारे पास ये रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स थी, रिड्यूस, ध्यान दें इधर सभी लोग, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स थी, उसका ट्रांसपोज हमने लिया और उन दोनों मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये रिजल्ट आया। इसका हम जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये डिटरमिनेंट जो आया है ना, है ना, कितना आ रहा है, 16, मतलब इस ग्राफ के 16 पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रीज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लें आपको।